बर्फ जमी हुई है, क्लीन ही नहीं होती गाड़ी। यहाँ पे हम आए हैं गाड़ी में गैस डलवाने, अभी भी स्नो पड़ रही है। बस करो भगवान, इतनी भी क्या स्नो। और इस तरह की बर्फ है गिरती है फिर पानी में साथ के साथ कन्वर्ट हो जाती है। कितनी बर्फ पड़ रही है, ओ माय गॉड, देखना कैसे कैसे पड़ रही है, ओ माय गुडनेस। चलिए जी चलते हैं वॉलमार्ट के अंदर, थोड़ी देर में ही स्नो ने ढक दिया हमें तो। Why are you scared, Anaya? शर्मा जी आ रहे हैं। Say hi to everyone. Good night. चलिए सामान लेते हैं। ओह ये कोकोनट वाटर, शुगर चेक करते हैं इसमें 13 ग्राम। कोकोनट वाटर बिना शुगर के होना चाहिए या नहीं? नाइस शर्ट्स। ये ड्रेस मच्छरदानी लग रही है। नथिंग। जहाँ पर भी देखो सेल सेल, क्लीयरेंस क्लीयरेंस क्लीयरेंस, इतना कपड़ा क्या करना है। क्लोज्ड फॉर क्लीनिंग। ओके जी, डिफरेंट पाथ से चलते हैं, दूध तो लेना ही है। एक ले लेती हूँ, मैंने देखा नहीं घर पे। औची। जूस, ये है बीमारियों का घर। दूध चाहिए, ग्लूटेन फ्री, शुगर 0 ग्राम। थैंक यू सो मच। शर्मा जी आ गए। ओह दिस वन, आई थिंक दिस वन। स्प्रिंग रोल्स या फ्रोजन मील या दूध कुलचा, आलू कुलचा, कभी कभी मन करता है खाने का। कोई बात नहीं, हम तो आते ही रहते हैं, नींद आ रही है ना बहुत। चलिए अब हमें लेने हैं, अब क्या लेना है, भेलपूरी। आरव ने मेरे को स्पेशल बोल के भेजा है कि मम्मा भेलपूरी नहीं भूल जाना। हनी हनी जिंजर टी यार, मोटी हो गई हूँ। कहाँ है जिंजर टी? इधर, या ये रहा टी सेक्शन, ये रहा टी सेक्शन। हियर इज लेमन जिंजर, रख लो। या आई थॉट यू आर डिसाइडिंग समथिंग एल्स। नाइस। या माइक्रोवेव एग पोचर, दैट्स गुड। शर्मा जी का मन ही नहीं कर रहा आने का, मुझे आ रही है नींद। कुरकुरा ऑल्सो समटाइम्स। या हमने ली है राइस इडली, और रवा इडली नहीं है। रवा इडली इज गुड। मम्मा दी लाडो, चूचू ट्रेन, चूचू चूचू। बिग, दीज आर बिग, एंड दैट इज गुड। खराब भी नहीं है। आलू है हमारे पास, या नो नो ले लो, ये छोटा है, काफ़ी कम है ये, पर ले लो। ठीक है ठीक है, आलू भी तो डालेंगे। नहीं ठीक है, वो वाला ले लो। पॉलीथीन लेना पड़ेगा तभी तो। गाजर भी ले लो बच्चे। यस गाजर। चुकंदर,
चुकंदर, चुकंदर और चुकंदर जो भी होता है या हम तो आती रहते हैं। केला भी चाहिए हमें, 6 वाला पैक लेना, 6 वाले लेना, पिछली बार 4 का था जल्दी खत्म हो गया। ये है लेमन, ओके ये है लेमन, ये है लाइम्स, तो कौन से अच्छे होते हैं मुझे ये नहीं पता है। फिर मैं ग्रीन वाले ले लूं, I'm confused. Don't eat too much. Okay, mom. Okay, mom. How many are you eating now? Purple. Purple? No. How many? One. How many? Snow. भगवान बस करो, इतनी स्नो नहीं चाहिए हमें, हैं? अरे यार ठंड नहीं है, पर यू नो ड्राइविंग इज नॉट सेफ इन स्नो, इट्स वेरी हार्ड टू ड्राइव इन स्नो, रोड्स आर वेरी स्लिपरी, टुमारो वी हैव टू गो फॉर वर्क ओवर देयर। या स्कूल में ना जब हम आज बच्चों को बाहर लेके गए, इवन टेम्परेचर वॉज -16, स्टिल वी वेंट आउटसाइड, आफ्टर हाफ एन आवर आई वॉज कवर्ड विद फुल स्नो, पुश, इट्स वेरी हार्ड टू पुश द कार्ट इन द स्नो, ओह माय गुडनेस माय गुडनेस, मेरी गाड़ी पूरी ढक गई है, स्नो बहुत ज्यादा है, डोंट ईट, नो डेंजरस, अरे भगवान इतनी स्नो नहीं चाहिए, सवेरे 6 बजे तेरी छुट्टी है, इतनी ज़्यादा बर्फ है ना, बर्फ में चला नहीं जा रहा, oh my gosh, बंदा क्या करेगा गाड़ी भी चलानी, इतना ट्रैफिक, मेरे को 5 मिनट का रास्ता आधे घंटे में कवर हुआ है। ये देखिए स्नो दिखाऊं, इस स्नो में चल के आना इट्स नॉट इजी, ये देखिए गाड़ी की कहां कहां तक स्नो आई हुई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, ये व्लॉग कल से शुरू किया था मैंने, कल एक व्लॉग ख़त्म किया था, हमें एकदम से वॉलमार्ट जाना पड़ा, मैंने अगेन ये व्लॉग शुरू कर लिया था, फिर सुबह बस थोड़ी सी क्लिप ली थी, अभी टाइम हो रहा है शाम का, मैं जॉब से वापस आ चुकी हूँ एंड आज भी बर्फ़ पड़ रही है, अभी भी पड़ रही है, कल सारी रात पड़ी है, कल सारा दिन पड़ी है। ये है आरव, कैसे हो? बढ़िया। बताओ सबको, सुबह स्कूल गए थे कैसा लगा? बढ़िया स्कूल। सो यस, सुबह बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी, सारे रास्ते इतनी बर्फ़ थी, हालांकि वो स्नो क्लीन करने वाले भी हर जगह पे थे, पर उनका मेन मोटिव होता है पहले मेन रोड्स क्लीन करना, बट यू नो जैसे रेजिडेंशियल एरिया होता है वहाँ पर इतनी बर्फ़ होती है, वहाँ पर गाड़ी चलानी बहुत डिफ़िकल्ट, पर उनको होता है कि मेन रोड्स पहले क्लीन करें, रेजिडेंशियल एरियाज़ की जो स्ट्रीट्स होती हैं ना उनको वो बाद में क्लीन करते हैं। और सुबह इतना रश था, इतना ट्रैफिक था, एक तो हम सभी को पता होता है कि हमने गाड़ियाँ धीरे चलानी है क्योंकि स्लिपरी बहुत ज़्यादा होता है ना, ब्रेक नहीं लगते, बहुत पहले से ही लगाने पड़ते हैं, एंड दूसरा इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि धीरे चल रही हैं गाड़ियाँ, पर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। आज इवन मैं भी अपनी जॉब पर लेट पहुँची, 10 मिनट्स मैं लेट थी, मतलब मैं हालांकि मैं पहले निकली क्योंकि बाहर जाकर गाड़ी भी साफ़ करनी होती है, अनाया को जहाँ पे छोड़ा वहाँ पर इतनी बर्फ़ थी ना कि मतलब मैंने अनाया को गोदी में उठाया था, मुझे ये था कि अगर मैं इसे नीचे मेरे को बोलती कि मम्मा मुझे छोड़ो मैं खुद से चल के जाऊँगी, मैंने कहा ना अनाया आज नहीं है तुम्हें नीचे उतार सकती, मैं तुम्हारी हाफ लेग्स कवर हो जाएंगी और सारी स्नो
मतलब शूज के अंदर चली जाएगी। तो फिर कहती ओके मम्मा, है ना। पर मैंने बस ये सोचा, जैसे मैं लेट हो रही थी, मैं थोड़ा सा ऐसे पैनिक होना शुरू हुई कि मैं काम पे लेट पहुंचूंगी जॉब पे, है ना। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, एक्सीडेंट से अच्छा है लेट हो जाओगी 10-15 मिनट, कोई बात नहीं, तो धीरे चलानी है गाड़ी। बस मैंने यही अपने माइंड में फोकस किया कि कोई ना, धीरे ही चलानी है। और मतलब वहाँ पे हाईवे पे इतना रश, गाड़ियाँ आगे बढ़ ही नहीं रही, और जो बिग बिग ट्रक्स हो जाते हैं ना आगे आ जाते हैं। और बात यह कि हवा इतनी तेज थी कि वो बर्फ उड़ रही थी उस हवा से, जो ये बर्फ थी ना बड़ी लाइट वेट वाली थी, तो एकदम से गाड़ी की फ्रंट शील्ड पे आके ऐसे पड़ती, फिर एकदम से दिखना भी बंद हो जाता था। तो फिर मैंने कहा नहीं, धीरे से ही चलानी है गाड़ी ने। हाँ मैंने स्कूल में कॉल किया कि मैं 10-15 मिनट लेट हो सकती हूँ क्योंकि मैं ट्रैफिक जैम में फंसी हुई हूँ, मूव ही नहीं हो रही थी गाड़ियाँ। इवन जब मैं शाम को आ रही थी ना, तब आते हुए भी मतलब सेम उसी जगह पे फिर इतना ट्रैफिक, इतना ज़्यादा ट्रैफिक। तो मैं सोचूँ मैं क्या करूँ, मेरे को ये था कि आराम से चलाऊं, और ये था कि अंधेरा भी हो रहा था, अंधेरे में लाइट्स पड़ती हैं आंखों में, तो फिर वो बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि 5:30 पूरा अंधेरा होता है ना। मैं 5:30 ऑफ होती हूँ, तो बहुत धीरे धीरे मैंने गाड़ी चलाई। हमारे आगे जो था ना वो स्नो क्लीन करने वाले थे, वो कभी टेढ़ी कर ले अपनी कभी वो, फिर मैंने कहा वो इस वजह से गाड़ियाँ बहुत धीरे चल रही हैं, और बस भगवान का नाम लेती जा रही थी। मैंने कहा हे भगवान, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊं। मैं ना ये सब सोचते हुए एक बात सोच रही थी कि मानते हैं लाइफ स्ट्रगल होती है, लाइफ में और परेशानियां होती हैं, बट कनाडा की विंटर, स्पेशली विनिपेग की विंटर, जब स्नो पड़ती है एंड कॉन्टिन्यूसली पड़ती है, तो यहाँ पर एवरी सिंगल डे उठकर जाना काम पे और वापस घर पे आना, वही एक स्ट्रगल है। इस लाइफ स्टाइल में जीना कभी कभी बड़ा लगता है कि यही स्ट्रगल है, काम पे तो जाना ही है, हमें पता है। इंडिया में क्या होता है कि लोग बोलते हैं बारिश हो रही है या ऐसा मौसम है वैसा मौसम है, स्कूल्स में छुट्टियां हो जाती हैं, मैंने सुना है कई स्कूल्स में छुट्टियां भी हो गई हैं वहाँ पर ठंड की वजह से, है ना। बट वहाँ पे होता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, बट यहाँ पर तो अगर ऐसा करने लग गए तो स्कूल तो बंद ही हो जाएंगी विंटर में, पूरी विंटर, है ना। तो मतलब रिस्क लेकर जाना ही पड़ता है, सभी को अपने अपने कामों पर निकलना पड़ता है। सो हर दिन मैं ना बहुत थैंकफुल होती हूँ भगवान को कि भगवान थैंक गॉड मैं सही सलामत अपने काम पे पहुंची, फिर घर पे पहुंची, बच्चे हस्बैंड सभी सही सलामत घर पे पहुंच गए हैं। तो या तो लाइफ इज स्ट्रगल, बट इन कैनेडा एवरी सिंगल डे इज अ स्ट्रगल। तो चलिए जी, बस मैं इस ब्लॉग को अभी और नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि कल से शुरू हुआ हुआ है, वॉलमार्ट गए शॉपिंग की, इतने गंदे वेदर में जाना पड़ा है ना। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, हमारी लाइफ डेयरिंग लगती है, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग।